दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा हैं। इसके साथ ही उन सभी खबरों पर विराम लग गया है जिनमें किम की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। किम अपने दादा के जन्मोत्सव में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मून के विशेष सलाहकार मून चुंगिन ने रविवार को CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, हमारी सरकार की स्थिति दृढ़ है, किम जोंग उन जिंदा और पूरी तरह से ठीक हैं। सलाहकार ने कहा कि किम 13 अप्रैल से वोनसान में रह रहे हैं। ये एक रिसोर्ट शहर है जो देश के पूर्व में स्थित है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने को नहीं मिली है। किम की सेहत को लेकर 15 अप्रैल से सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस दिन उत्तर कोरिया के संस्थापक और किम के दादा किम दो सुंग का जन्मदिन आता है और ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। किम जोंग 11 अप्रैल के बाद किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं। अगले दिन राज्य मीडिया ने बताया कि वे वायु रक्षा इकाई में लड़ाकू जेट का निरीक्षण कर रहे हैं। किम की अनुपस्थिति ने उनकी सेहत